हर इंसान चाहता है कि वो परफेक्ट दिखे, उसके ना मतलब फेस पे तो एटलीस्ट कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे आप हर टाइम कवर नहीं कर सकते। बॉडी के अंदर कुछ भी हो रहा है एक टाइम पे चल जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। मेरी लाइफ भी बहुत अमेजिंग है। ये हमारा हॉस्पिटल है जहाँ मैं वीडियो बनाती हूँ, जहाँ आप लोग विजिट करते हो। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच बहुत सारा प्यार देने के लिए। धीरे धीरे उपासना की दुनिया जो हमारा परिवार है वो ग्रो कर रहा है आप लोगों के प्यार की वजह से। लेकिन बस मेरी एक शिकायत है आपसे कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। देखिए, आपके लिए ही मैं हर रोज़ एफर्ट कर रही हूँ। मैं अपने शौक से कर रही हूँ क्योंकि मेरा शौक है आयुर्वेद को हर लेवल पर पहुँचाना। आप लोग घर बैठ के ठीक हो रहे हो। जैसे कि कल एक पेशेंट आए, उन्होंने बताया कि मैम मेरी झाइयाँ स्टार्ट ही हुई थी लेकिन मैंने आपकी जायफल वाली रेमेडी करी और उससे बिल्कुल ख़त्म हो गई। किसी ने बताया कि मैम फेशियल हेयर को लेकर मैंने ये रेमेडी करी, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो कहने का मतलब ये है कि इस चैनल पर मैजिकल रेमेडीज़ बहुत सारी हैं। आप किसी भी रेमेडी को उठा के देखेंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसके साथ में जो हमने एक बेंचमार्क सेट किया, अब तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हो गए जो इस तरह के वीडियोस डाले हैं, लेकिन हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया हमारे पेशेंट्स के साथ, जो कि अपने आप में धीरे धीरे करिए एक बेंचमार्क बनता गया। ये जो आपके चैनल आ रहा है स्क्रीन पे डॉक्टर उपासना बोरा, ये हमारा पॉडकास्ट चैनल है हमारे पेशेंट्स की जर्नी का। और बहुत सारे लोगों का डाउट था कि मैम जैसे हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट मंगाते हैं उनके रिव्यूज़, तो उनके रिव्यूज़ के लिए हमने डायरेक्ट इंस्टाग्राम स्टार्ट किया। इंस्टाग्राम पे हम डायरेक्ट लाइव ले रहे हैं उन पेशेंट्स का, ताकि कभी किसी को ये लगे ही ना कि ये चीज़ें फेक हैं। तो आप लोग भी हम पे भरोसा कर सकते हैं। मेरी रेमेडीज़ के लिए ये चैनल है, ट्रीटमेंट के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है, वो है हिर्सुटिज़्म। हिर्सुटिज़्म यानी कि हेयर ग्रोथ। उससे ये मतलब नहीं है कि सिर्फ फेशियल हेयर ग्रोथ होना, उससे ये है कि ब्रेस्ट पे आ रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या और भी बॉडी के पार्ट्स हैं। तो आज का विषय, सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि PCOD का मतलब सिर्फ इरेगुलर पीरियड्स नहीं होता है। कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हैं, स्टिल उनके फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं। ऐसे कौन से हार्मोन हैं फीमेल में कि वो एकदम से बदलाव लेते हैं कि चेहरे पे बाल आना शुरू होते हैं दाढ़ी की तरह? कईयों को तो सिर्फ इस एरिया पे होते हैं, बट कुछ एरिया ऐसे होंगे, यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस अटैच करूंगी, आप देखना कि हिर्सुटिज्म किस लेवल पे इम्पैक्ट करता है हमें, मेंटल हेल्थ को, सोशली, इमोशनल ब्रेकडाउन। यहाँ हेयर ग्रोथ हो रही है, ये एरिया पे है, यहाँ तक पूरी ग्रोथ आ गई है, स्टमक पे, नाभि के सराउंड, थाइस पे, ब्रेस्ट पे, ये सारा हिर्सुटिज्म ही है, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। और यहाँ पे कौन से हार्मोन मेनली ट्रिगर होते हैं? एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। हम क्या करते हैं जब PCOD में पीरियड्स रेगुलर होते हैं, तो हम जनरली LH, FSH ये हार्मोन चेक करवाते हैं। हमें कोई नहीं बोलता कि आप जाके टेस्टोस्टेरोन कंप्लीट है, एंड्रोजन है, ये भी करवाओ। और जब हमें पता चलता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। फिर इसमें जो दूसरा ड्रॉबैक है वो ये है, टेकिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बहुत सारे यंग बच्चे पीरियड्स डिस्टर्ब हुए, कुछ भी हुआ, उनको गायनेक ने प्रिस्क्राइब करा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, ठीक है। आप सोचिए कि इतनी कम एज में उन पिल्स को लेना, आपकी बॉडी में ब्रेस्ट की ग्रोथ ओवर स्टार्ट हो जाती है, बटक्स, हिप, ये फैट बहुत ज़्यादा होने लगता है। और रिसेंटली इसी चीज़ को लेके, PCOD को लेके ही मैंने ना इंस्टा पे पिछले कुछ टाइम में 3-4 पेशेंट के लाइव करे डायरेक्ट, जो बिल्कुल ठीक हो गए। आप जाके देखना, मैंने शेयर किया, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। रेमेडीज तो इसको लेके मैंने बहुत बताई, लेकिन आज का जो मेरा इस वीडियो बनाने का विषय था वो ये था कि आपको पता चले। यहाँ पे आगे लोगों को ये नहीं पता कि PCOD और PCOS सेम होता है, और वो सालों से उस चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये आता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स क्यों स्टॉप करवाए जाते हैं। देखिए, मुझे किसी का नहीं पता कि, बट मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि जब आप रेगुलर कैल्शियम का इनटेक करते हो तो एक टाइम के बाद वो आपके एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। जब एब्जॉर्प्शन स्लो होगी तो अंदर ऑलरेडी जो इन्फ्लामेटरी चेंजेस हैं, फॉलिकल्स बन रहे हैं। है क्या वो फॉलिकल्स? ये इतने छोटे छोटे जो गांठें बनती हैं उसके साइड का जो एक वाटरी, वो वहाँ पे एक फ्लूड टाइप होता है, उसकी मेजरमेंट होती है, क्योंकि सिस्ट तो आपको विजिबल भी नहीं होते, वो फॉलिकल्स है, उन्हें डिजोल्व करना, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना। तो वो सारी चीज़ों के लिए हम कैल्शियम का इंटेक कुछ टाइम के लिए स्टॉप करवाते हैं, उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेमेडी वर्क करती है, इसमें हल्दी बहुत अच्छा काम करती है। हल्दी जो है, जो हेयर की ग्रोथ है, रूट्स को धीरे धीरे करके वो ब्लॉक करना स्टार्ट करती है, तो वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो रोज़ आप आधा चम्मच हल्दी
आधी कटोरी पानी में या 3-4 चम्मच पानी लेके उसमें मिक्स कर दो अच्छे से, और उसके पेस्ट को ना कॉटन से यहाँ लगाया करो और 5 मिनट लगा रहने दो और फिर पानी से वॉश कर लो। ये भी आपके लिए बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेगा। दीज ऑल आर सपोर्टिव ट्रीटमेंट, वो कुछ टाइम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इन्हीं से आपके हेयर खत्म हो जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज काम करती है, जो हमने अपना फेशियल हेयर कॉम्बो निकाला। मैं उसके लिए भी क्लियर करती हूँ कि 80% लोगों के बाल खत्म हो गए जिन्होंने साथ में मेडिसिन स्टार्ट की, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक एक साल से कॉम्बो कर रहे हैं, ग्रोथ कम हुई पर निकल रही है। वो क्यों निकल रही है? क्योंकि सिर्फ आप जेल लगा रहे हो, जो आपके अंदर कॉज है दैट हार्मोनल इम्बैलेंस, दैट द लेवल ऑफ एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, उसे आप रिड्यूस नहीं कर रहे हो। अब जब तक आप उसे रिड्यूस नहीं करोगे, कोई चीज कैसे रुकेगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, मैम जो एक बार ग्रोथ हो गई उसे हम खत्म कर सकते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मिनिमल ग्रोथ है खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, लाइक रेजर यूज कर लिया, कंटिन्यूटी में वैक्स कर लिया, पूरी तरह से खत्म हो सकता है 30-40% केसेस में। रेस्ट ऑफ द उसमें ग्रोथ इतनी कम हो जाएगी आपको नीड नहीं रहेगी। सिंपल हल्दी वाटर लगाया और 5 मिनट बाद वॉश कर लिया। उसके बाद हफ्ते में 2 बार चावल पका लो अच्छे से, बिल्कुल पतला पतला उसका पेस्ट बना लो, उसके पेस्ट को लगाओ ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब वो सूख जाए उसको कर दो। एक तरह से वो नेचुरल वैक्स का काम करता है, आपको उसमें कुछ और मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देंगी और हमारी हेयर की ग्रोथ को धीरे धीरे करके रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर से मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि PCOD अपने आप में एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। हार्मोन तो डिस्टर्ब होंगे, बट बच्चों का बहुत कम एज में ना वो करियर खराब कर देती है। कैसे करती है? बच्चे का फोकस नहीं है, हमेशा माइंड डाइवर्ट है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। मैं रोज इतने लोगों से मिलती हूँ, इसलिए मैंने उन बीमारियों पे काम करना स्टार्ट किया, आप लोगों तक पहुँचाना स्टार्ट किया कि पता चले इसे इग्नोर नहीं करना है। PCOD के बाद इनफर्टिलिटी सबसे कॉमन है, जिसके केसेस मैंने इंस्टा पे लाइव शेयर किया। जो मेरे पेशेंट थे इतने इतने सालों से PCOD की प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, वो कैसे प्रेगनेंट हुए? PCOD परमानेंट खत्म हो सकता है, ड्यूरेशन किसी की बॉडी के फिक्स नहीं है। किसी को जो है 3 महीने लगते हैं, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल भी लगते हैं। और इसमें ये नहीं कि हम कोई दवाई ऐसी दे रहे हैं कि उससे इतना लंबा टाइम लगे, नहीं, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है। हर इंसान का शरीर अपनी तरह से काम करता है। भले मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स बहुत स्लो है, मेरे अंदर वो मेरी बनावट ऐसी है, मैं उसको आज डॉक्टर बन के भी चेंज नहीं कर सकती। द थिंग इज कि हम उसे बेटर कर सकते हैं एट सम एक्सटेंट, बट उसे हमेशा के लिए वो चीज़ नहीं कर सकते। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो नेवर एवर कंपेयर योर बॉडी विद अदर पीपल, ठीक है? उनकी बॉडी का रिस्पॉन्स और आपका बहुत अलग है। इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स आपको स्टॉप करनी है, ये 2 रेमेडीज़ को फॉलो करना है। जब आप फॉलो स्टार्ट करेंगे आपको चेंजेस दिखेंगे। बट अभी तक भी जिन भी लोगों को PCOD है, आपने कोई भी टेस्ट नहीं करवाया एक्सेप्ट अल्ट्रासाउंड या LHFSH, आप एक बार एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन पक्का करवाओ, टेस्टोस्टेरोन कंप्लीट, आपको पता चलेगा कि ग्रोथ क्यों आ रही है। और दूसरा, रेजर यूज करना बंद करिए, क्योंकि जो दाढ़ी आना स्टार्ट होती है ना मेल की तरह, वो हेयर की ग्रोथ जो है बहुत थिक हो जाती है, फिर लेटर ऑन आप उसे रिड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ 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 बहुत हैवी ग्रोथ, तो कहाँ जाओगे? लेजर भी कल को करवाओगे ना, वो भी कुछ टाइम सेटल करेगा, उसके बाद रीग्रोथ होगा, क्योंकि वो भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद लास्ट में अपने आप को ना इस तरह से बनाओ कि आप चीज़ों पे फेथ करना सीखो, पॉजिटिव चीज़ों पे। हमें क्या होता है ना, हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, और ये चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। कोई भी बीमारी को लेके हम एक ही चीज़ को हर महीने रिपीट पे पूछते हैं, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, रेमेडी में भी कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम ऐसे होते तो हम भगवान होते। भगवान भी कभी ना सृष्टि के आगे की चीज़ें नहीं बता पाए। तो आप सोचिए, हम तो इंसान हैं, हम आपके लिए बेस्ट कर सकते हैं, जो हमारा ट्रीटमेंट है हम बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हमारी रेमेडीज़ है वो बेस्ट दे सकते हैं। टाइम आप करते रहिए कंसिस्टेंसी से, आपको खुद पता चल जाएगा कि बॉडी ने किस टाइम पे आके रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया है। अब ऐसा टाइम आ गया कि जिनको हिर्सुटिज्म है, मास्क लगा के रखते हैं, फेस कवर करके रखते हैं। बहुत डॉक्टर अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं जो आपको प्रॉपरली गाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो के माध्यम से हमेशा ये चीज़ चाहिए कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, आपको किसी तरह का डाउट ना रहे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा ना, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, या हमारे लाइव देख सकते हैं। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है। जो रेमेडीज़ मैंने बताई, इसे आप कंटिन्यू करिए, कितने दिन तक उसका जवाब आप खुद देंगे। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।